नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके लेके आया हूँ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको तैयार कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, पहली स्लाइड लगाते हैं। ये भारत में निम्नलिखित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, तो कुषाण शासकों ने चलाए थे, ठीक है, किसने चलाए? ये चीन शब्द गलत प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, चीन शब्द जैसा कोई शब्द नहीं है, वो हम इरेज कर दे रहे होते, ठीक है, ये ना इसका कोई मतलब नहीं है। ये चीन में है, ठीक है, ये भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण शासकों ने नियमित रूप से भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। आगे ये घुटनों नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें भी हो गई है, ठीक है, ये गुप्त युग में, ठीक है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? वो है उपज का छठा भाग। गुप्त युग याद रखना, गुप्त युग, यहाँ गुप्त युग लिखा था, गुप्त युग में राजस्व की उपज की दर क्या थी? राजस्व दर थी उपज का छठा भाग। आगे चलते हैं, गुप्त काल का महत्वपूर्ण पत्तन ताम्रलिप्त था, ठीक है, ताम्रमूलक पश्चिमी बंगाल में था ये। आगे इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट थी? तो समुद्रगुप्त की। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाए थे रूपक सिक्के, मतलब जिन सिक्कों को गुप्त शासकों ने जारी किया था उनको रूपक सिक्के कहा जाता था। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम, मतलब व्यापारियों जो निगम था उसे कहा जाता था मणिग्राम। गुप्त काल में अपनी आयुर्वेदिक की रचना के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत संहिता 200 BC। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको तैयार रखना। भारत पर हूणों ने आक्रमण किसके समय किया था? स्कंदगुप्त के समय में किया था। भारत में किस शासक ने जावा और सुमात्रा पर विजय प्राप्त की थी? जावा और सुमात्रा पर विजय की थी तो वो राजेंद्र चोल ने। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? बाण भट्ट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देखना, बाण भट्ट थे हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। उत्तर गुप्त युग में कौन विश्वविद्यालय अधिक प्रसिद्ध हो गया था? तो सबसे जो उत्तर बुद्ध गुप्त उसमें युग में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। किस भारतीय शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, मतलब सबसे महान सेना थी वो थी राजराज प्रथम ने। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म का, ठीक है, शैव धर्म का उन्होंने संरक्षण किया था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग है, सात शब्द नहीं है, किसने बनवाया था, ठीक है, या ने शब्द होगा, किसने बनवाया था, ठीक है। आगे तो वो बनाया था पल्लवों ने। पंडया शासकों की राजधानी कहाँ थी? पंडया शासकों की राजधानी मदुरई में थी। त्रिपक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्यों ने कराया था। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? मालवा में किया था। पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी?
तो राजेंद्र चोल ने रखी थी। चलिए आगे दूसरी स्लाइड लगाते हैं। ओके ठीक है चलो। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेन सांग। हर्षवर्धन जिस समय भारत का शासक था उस समय हेन सांग चीनी यात्री भारत में आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो उसे नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था जो उसे नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर में थी। याद रखना चोल राजा थे जो उनकी राजधानी तंजौर में थी। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? सबसे, अगर चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था तो पुलकेशिन द्वितीय था। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वो था हर्षवर्धन। अंतिम बौद्ध राजा कौन था? जो हर्षवर्धन था, जिसे संस्कृत का ज्ञान था, जो लेखक भी था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज चोल ने। किसने कराया था? राजराज चोल ने कराया था बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है। पूछ लेगा तंजौर मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज चोल ने। एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, राष्ट्रकूटों ने किस महान मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा मंदिर का। महाबलीपुरम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किस शासक में हुआ था? जो महाबलीपुरम रथ हैं उनका निर्माण हुआ था पल्लवों के वंश में हुआ था। त्याग सम्राट की पदवी किसने धारण की थी? तो वो की थी राजेंद्र चोल ने। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची में। किस चोल राजा ने लंका को सबसे पहले जीता? राजराज प्रथम ने लंका पर पहले विजय हासिल की थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सआदत खान ने कराया था, सआदत खान ने। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, या पुलकेशिन प्रथम ने किसे हराया? तो सबसे पहले किसे हराया? हर्षवर्धन को। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की है। ठीक है, रत्नावली। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? तो नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी उस वहां पर युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशिन को हराया था, वो पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय किस का महानतम शासक था? बदौरी के, चालुक्य का। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान, मतलब राष्ट्रकूट ने सबसे अच्छा काम किया गया था, वो कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। हर्ष सम्राट की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। जो राजा हर्ष, सम्राट हर्ष था, उसकी राजधानी कन्नौज में थी, इत्र की नगरी से बोलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने, कैसे किया गया था? चट्टानों को काट करके, मतलब जो महाबलीपुरम मंदिर बनाया गया था वो चट्टानों को काट करके बनाया गया था। जयदीप के को किसने अलंकृत किया था? तो जयदेव है, जयदीप ने, जयदेव को लक्ष्मण सेन ने अलंकृत किया था। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो दो स्लाइड पूरी, तीसरी स्लाइड। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बाण भट्ट। हर्ष ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था प्रयाग में, किया था जो प्रयाग इलाहाबाद है वहां पर हर्ष ने बहुत महत्वपूर्ण महासम्मेलन आयोजित किया था। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल राज्य था। ठीक, कौन सा राज्य था? चोल, जिसने नौसेना बनाई थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ,
तो ये क्वेश्चन है शूल युग नहीं चोल युग है, देखना चोल युग प्रसिद्ध था, क्या है क्वेश्चन है चोल युग प्रसिद्ध था, तो ये शूल नहीं है ये चोल है, क्या है चोल है, लिख देते हैं चोल, क्या है यहाँ चोल, चोल युग क्यों प्रसिद्ध था, तो चोल युग था ग्रामीण सभाओं के लिए, उसने उन्होंने ग्रामीण सभाएं स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, चाहे चोल युग क्यों प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं की, या चोल प्रशासन की विशेषता बताइए ग्रामीण प्रशासन की स्वायत्तता के लिए, कि ग्रामीण प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान की थी वो किसने की थी, चोल युग ने की थी, यही इसकी मुख्य विशेषता थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, चालुक्य की राजधानी बातापी या बादामी में थी। तौलकप्यम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से, तृतीय संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था, कपास व्यापार, मतलब कपास व्यापार के केंद्र को उरैयूर कहा जाता था। मीनाक्षी मंदिर, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था, सोमनाथ मंदिर को, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो में थी। भोपाल शहर की स्थापना, महत्वपूर्ण प्रश्न, भोपाल शहर किसने बसाया था, किसने स्थापित किया था, तो राजा भोज ने किया था इसकी स्थापना, ठीक है याद रखना, भोपाल शहर किसने बसाया था, राजा भोज ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने हराया था, हराया था प्राप्त नहीं किया था, ठीक है किसने हराया था, ये जो प्राप्त शब्द है मिस प्रिंटिंग हो गया है, किसने हराया था, ये है ना, ये गलत है, ठीक यहाँ आएगा हराया, ठीक है किसने हराया था, तो उसे हराया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर था वो चंदेलों ने बनाया। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी किस शासक के समकालीन था, महमूद गजनवी के समकालीन था, ठीक है। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, खजुराहो में किसकी राजधानी थी, चंदेल की राजधानी थी। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंध नदी पर पहुंचा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में वो सिंध नदी के तट पर पहुंचा था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, याद रखना रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, या दिल्ली के तख्त पर पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज की लास्ट स्लाइड है। चलो अशोक के स्तंभ का को दिल्ली कौन लेके गया, जो अशोक का स्तंभ था उसे दिल्ली कौन लेके गया, तो फिरोज शाह तुगलक। आगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा नगर सिकंदर लोदी ने बसाया था, किसने बताया था, सिकंदर लोदी ने बसाया था। दिल्ली के किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, मृत्यु पोलो खेलते हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुबत उल इस्लाम मंदिर कहाँ, मस्जिद कहाँ पर है, ये मस्जिद है दिल्ली में, ठीक है, तो किस खिलजी शासक ने दिल्ली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के
राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर को मार कर उस गद्दी पर बैठा था। मलिक काफूर किसका जनरल था? जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। सितार का जनक, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सितार का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। मदुरई तक सफलतापूर्वक कौन पहुंचा था? तो मलिक काफूर मदुरई तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो है इल्तुतमिश ने। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन दब रहा है, कुतुब मीनार के मध्य द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। ठीक है, ये हमारी प्रश्न है आज के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।